रहते हैं दिन भर निकम में कहीं के कोई चीज ठिकाने पर नहीं रहती। कहाँ है मेरा बैटर? हेलो हेलो पापा, तो मैं पिकनिक पे जाऊं? ओह थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच। हमारे नील परी ब्रांड के विस्की पिछले हफ्ते कितनी बिकी? 5,000। पकड़ी कितनी गई? 500। जुर्माना 50। झोपड़ों से क्या किराया? झोपड़े हैं कितने? 500। गिरा दो। लेकिन बॉस, जला दो। आप चेयरमैन हैं? इसीलिए। हाँ, अब टीम की क्या पोजीशन है? अब डाक से भेज जाती है। कितने लिफाफे? 30 रुपए। 30 रुपया बोनस। हाँ स्वामी जी, दान पुण्य का क्या हाल है? 500 रुपए। काम कर दो। हत्या है, खूनी, मार डालूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। बिटिया ने आत्महत्या कर ली, तेरे जग्गा ने उसकी इज्जत लूट ली, तेरी बच्ची की शराब पीकर। चलो अपने बेटे के क्रियाक्रम के लिए। खून का बदला भीख नहीं होता नीलकंठ, खून होता है। ये इसलिए बूढ़ा यहां तक खिंच पहुंचा, इसलिए कि गरीब लड़की से टूटी। उठा ले। लो, बच गया इसका भी बैंड बाजा। पापा, इस बुड्ढे को गोली मार दी क्या? नहीं। अच्छा तो खिला दी। नहीं बेटे, वो नशे में था। ओह, दौलत आपके पास और नशा इसको, कमाल है। कस्तूरी जा खेल बेटे, अपना काम कर। ओके बॉस, अब वही कोर्ट में खेलेंगे। हाँ। अरे भाई, इन बेचारे गरीबों के लिए आपके खिलाफ गवाही देने वाला मेरे सिवा और है कौन? लेकिन कोर्ट में तुम्हारा यकीन कौन करेगा? क्यों? सब जानते तो पागल है। तुम लोगों क्या कष्ट है? पापा तो इसलिए मुझ पर हंसते हैं कि उन्होंने मुझे जानबूझकर पागल मशहूर कर रखा है ताकि उनके गुनाहों पर पर्दा पड़ा रहे, और इसलिए भी हंसते हैं कि मैं उनका इकलौता बेटा हूं, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और इसलिए भी हंसते हैं चाहे वो कुछ भी कर ले मैं उन पर कभी हाथ नहीं उठाऊंगा। लेकिन तुम लोग किस खेत की मूली हो? है तुम बहरूपी है, इडियट, गेट आउट, गेट आउट, चलो गेट आउट। बिल्कुल पागल। अच्छा मैं पागल हूं, सुन रही हो मां?
अगर मैं पागल होता तो क्या तुम मुझसे मरते समय ये कहती कि अपने बाप को पाप के रास्ते से बचाना? जैसी माँ वैसे बेटा, दोनों पागल। यानी दोनों सच्चे। पापा एक बात पूछूं? हाँ हाँ जरूर पूछो पूछो। अगर इस बूढ़े गरीब की लड़की के बजाय मेरी बहन और आपकी इकलौती बेटी हिंदू होती तो? अव्वल तो कोई है नहीं, अगर कोई है तो मैं उसके खानदान को खत्म कर दूंगा। मेरे देश में हो, मेरे देश में, मेरे देश में पवन चले पुरवाई हो, मेरे देश में, मेरे देश को देखने भाई सारी दुनिया आई, मेरे देश में हो, मेरे देश में पवन चले पुरवाई हो, मेरे देश में। झिलमिल झिलमिल तारा चमके डगमग डगमग नैया डोले रिम झिम बादल बरसे रामा हो गुन 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 भंवरे झूमे झर 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 झरने झूमे छम छम पायल बाजे रामा हो हे गैया नाचे बांसुरी बजाए रे कनाई मेरे देश में हो मेरे देश में पवनों चले पुरवाई हो मेरे देश में अपना सुंदर सपना कौन पराया कौन है अपना प्यार सभी का अपने दिल में हो हर एक रंग के फूल है खिलते हर मजहब के लोग हैं मिलते इस बगिया में इस महफिल में हो हम सारे हैं भारतवासी सब है भाई भाई मेरे देश में हो मेरे देश में पावन चले पुरवाई हो मेरे देश में अम्बुआ की डाली पे कोयल गीत सुनाए कोमल कोमल मेरे बाग कलियों के हो पतझर मस्त बहारों जैसे पत्थर भी है तारों जैसे मेरे गांव की गलियों के हो मेरे खेत की मट्टी ने सोने की सूरत पाई मेरे देश में हो मेरे देश में पवन चले पुरवाई हो मेरे देश में मेरे देश को देखने भाई सारी दुनिया आई मेरे देश में हो मेरे देश में पवन चले पुरवाई हो मेरे देश में हटाओ जानवर को सामने से। बीबी जी मोटर का रास्ता उहा रहा आप इधर से क्यों आए बदतमीज
जबान चलाते मेरे सामने। ये क्या करती हो जी? देखो ना, हम उनको मार दिया। शर्म बेच खाई है कि छोकरी? ए, जबान संभाल कर जानवर। ए, जबान संभाल कर, मैं जानवर नहीं, मेरा एक नाम है गोपी। बड़ी खुशी हुई सुनकर। तो एक काम करो गोपी जी महाराज, जरा इन गंदे जानवर को सामने से हटा दो। देखो जी, ये जानवर जरूर है लेकिन गंदे नहीं। हाँ, दूध देते हैं, दूध जिसके पीने से गाल लाल लाल हो जाते जैसे तुम। ये पापा बंद करते हैं, कहीं जानवर डर गए तो घास नहीं खाएंगे, और अगर घास नहीं खाएंगे तो दूध कैसे देंगे, और अगर दूध नहीं देंगे तो गाल कैसे डालेंगे। बहुत ही बड़े बनाता है ये, जानवर बन गया है ना खुद भी, जानवर चराते चराते आते। ये पशु और जानवर तुम ऐसे प्रकटियों से तो अच्छे हैं, किसी गरीब का दिल तो नहीं दुखाते हैं? मैं कहती हूँ हटाओ ने, वरना। अरे वाह, रोब कैसी बात है, है? क्या वरना क्या निकट जो करना कर ले। हे भगवान, क्षमा करना मुझे, अब मुझसे नहीं रहा जाता। राजपुर में एक छोकरा है गोपी ग्वाला, उसे यहाँ पेश करो, अगर मुकाबला करे फौरन खत्म कर दो। तू कहाँ चला? आपको फांसी के तख्ते से बचाने। क्या बकता है? बकता नहीं हूँ पापा, ठीक कहता हूँ। अगर जग्गा ने उस लड़के को मार दिया ना तो ये आपकी मोटी सी जो गर्दन है ना कलिच हो जाएगी। बेवकूफ, नहीं मालूम तो मुझे इतना दुख क्यों देता है। उससे तो कमी देता हूँ जितना कि आप दूसरों को देते हैं। मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ सब तेरे लिए, ताकि मैं आप जैसा बन जाऊँ। नहीं, ताकि तू कम से कम इतना काबिल हो जाए कि सब जायदाद मेरे मरने के बाद संभाल सके, और आपके गुनाहों के पिटारे को भी संभाल सकूं। आपके मरने के बाद क्या होगा ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि माँ बाप की करनी का फल औलाद को जरूर भुगतना पड़ता है। और आज आपने देख लिया ना, एक मामूली से ग्वाले ने आपका बैंड बाजा बजाया। सही है पापा। इंदु, इस गधे का निशान हटाओ, मैं फिर मुझे मार खाएगा। हटाओ इसको। भैया तुम पापा को इतना क्यों सताते हो? देवी, अगर मैं चुप रहूं तो पापा सीधे नर्क में पहुंच जाए, कल के बजाय आज ही। देखो, इतना गुस्सा मत दिला उन्हें कि वो किसी दिन तुम्हें घर से ही निकाल दे। वो मुझे घर से क्या निकालेंगे, मैं भी एक ही चीज हूँ, तब तक नहीं निकलने का जब तक कि वो ना बदल जाए और तू ना बदल जाए। मैं क्यों, मुझे क्या हुआ? अरे इंदु, ये तो तुझे उस वक्त मालूम पड़ेगा जब तू पापा की लाडली नहीं रहेगी, किसी पराए घर की हो जाएगी। पागल। तू भी मुझे पागल समझती है? रंगी को नारंगी कहे और बने दूध को खोया, और उल्टी चाकी पीस पीस कर ये कस्तूरी रोया, भजो राम रघुराया। गोपी के बच्चे, निकल बाहर। Ah!
इसीलिए बुजुर्गों ने कहा है कि अकल बड़ी होती है भैंस बड़ी नहीं होती। सुनो मेरे पास अकल की बात है। इधर इधर मुझे नहीं काटी तो तू भ्रष्ट हो जाएगा। दाढ़ी बना दो साहब। आया तो यही था, न जाने कहां गायब हो गया। कौन जब अभी कपड़ा से निकालता हूँ, अभी दिखाता हूँ। ए आए हैंडसम क्या? अरे यहाँ नहीं, वहां देखो मेरे राजा। अरे ये तो मैं हूँ। अरे यार तू छोड़ना मुझको, चल बहुत काम बाकी। अरे तू आना यार, आना यार, आजा। मुझे इस विलायती पजामे में बड़ी घुटन सी हो रही है। अरे यार तू पहन लेना, पहन ना यार, तेरी भलाई के लिए मैं कह रहा हूँ। अगर देख उन लोगों ने तुझे फिर देख लिया ना यहाँ पर, तो तेरा बैंड बाजा बजा देंगे। इधर इधर वो मार्केट है ना घंटा घर के सामने, बस नाक की सीध में सीधा वहां चला जा। अरे यार मेरी पूरी बात तो सुन ले, वहां पर एक वकील नारायण प्रसाद जी रहते हैं, बड़े ही अच्छे आदमी हैं, और उनकी बीवी उनसे भी अच्छी आदमी है, मेरा मतलब है कि औरत है, बिल्कुल अन्नपूर्णा का दूसरा रूप है। उनके यहाँ जो भी गरीब मुकदमा लेकर जाता है ना, वो बेचारी उसको ऐसे खाना खिलाती है कि जैसे वो उनका घर जवाई हो। अच्छा फिर तो वो औरत देवी होगी, देवी। अरे तो वो देवी है तो वकील साहब कुछ कम है क्या? देवता है देवता, बस जाते ही पाँव पकड़ लेना। अरे यार मेरे पाँव नहीं, वकील साहब के। और गिड़गिड़ा के कहना, वकील साहब मुझे बचा लीजिए, वरना वो लोग मुझे जान से मार डालेंगे। वो कितना ही झटके, कितना ही पाँव पीछे हटाए, पकड़ लेना पाँव, पकड़ लेना। क्या पकड़ लेना? पाँव। करेक्ट, चल चल चलिए। ए कहाँ जा रहा है? क्यों भाई? सॉरी
नमक हराम हो, हजामत करवाने आए थे क्या? देखो जी, अपने जन्मदिन से लेकर अब तक की राम कहानी मत सुना, जो कुछ सुनाना है दो एक लफ्जों में सुना दो। मैं सच कहता हूँ वकील साहब, मैंने चेयरमैन नीलकंठ से एक फूटी कौड़ी भी नहीं ली। पर वो अंगूठी के निशान प्रॉमिसरी नोट पर? मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ ना। पर वो निशान? मेरे पास चंद बीघे जमीन थी। नीलकंठ बोला सरकार अनाज और खाद के लिए रुपया उधार देती है। परंतु अंगूठे की निशान? वो बोला अंगूठा लगाओ। मैं सोचने लगा अंगूठा, वो बोला लगाओ। मैंने सोचा मगर रुपया, वो बोला लगाओ अंगूठा वरना। धर्मचंद, तुमने कर्जा नहीं लिया, मगर तुम्हारे पास कोई गवाह? जी, वही नीलकंठ का बेटा कस्तूरी। कस्तूरी? वो पागल? जो पागल नहीं है, मगर उसके बाप ने उसे पागल मशहूर कर रखा है। नहीं धर्मचंद, अदालत उसकी गवाही नहीं मानेगी। नहीं तो क्या गवाही के बिना सच सच नहीं होता वकील साहब? होता है, मगर हमारे कानून के नजर में माना नहीं जाता। हालांकि ये कानून उससे भी ऊंचा। वो कौन सा? भगवान का। आओ एक अंगूठा और लगाओ इस वकालतनामे पर। ये लीजिए। ये क्या? वकील साहब की फीस भी दीजिए। पर इतने रुपए आए कहां से? बैलों की जोड़ी बेचकर। क्या, बैलों की जोड़ी बेच डाले? और फिर हाल कौन चलाएगा, ये तुम्हारे वकील साहब? क्यों जी, कैसे वकील हो तुम? शर्म नहीं आती गरीबों का खून चूसते हुए? अरे भाग्यवान, मैंने तो छुआ तक नहीं। पर देखा तो सही, तुम भी अच्छे आदमी हो। आज बैलों की जोड़ी बेच दी, कल घर बेचोगे, परसों अपने आप को, और फिर सारा पाप हमारे सर पे। चलो उठा दे। इधर क्या देखते हो, मैं जो कहती हूँ उठाओ। उठाओ धर्मचंद, लो लो। आप सब लोगों ने भोजन तो कर लिया ना? हाँ माँ जी, हाँ। सारा शहर जानता है कि आपके घर से कोई धूखा नहीं जाता। तभी तो भगवान का दिया, इतना सब कुछ है इस घर में। भगवान आपको लंबी उम्र दे। धर्मचंद, मेरे ख्याल से तुमने खाना नहीं खाया। चलो फिर। अरे जाओ ना धर्मचंद, नहीं तो मुझे भी खाना नहीं मिलेगा। जाओ। क्या? ओहो पिताजी। क्या बात है बेटे? तार आया है। अन्नपूर्णा, अरे भाग्यवान, जरा इधर तो आओ। अरे वो आ रहा है। कौन आ रहा है? आने वाला। अजी आने वाला नहीं तो क्या, जाने वाला आएगा ना। पर मैं पूछती हूँ, आ कौन रहा है? वही आके न जाने वाला, हमारा जवाई। जवाई? भेजा तो नहीं खाली हो गया तुम्हारा इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़कर? बेटी का ब्याह अभी तक हुआ नहीं और जवाई पहले से हमारे सर पे सवार। अजी ब्याह नहीं हुआ तो क्या, होने वाला जवाई जवाई नहीं होता? होने वाला जवाई? ये देखो उसका तार आया है, कल की गाड़ी से आ रहा है। शोभा बेटी जाओ, उसका फोटो मेरे मेज के दराज में रखा है, जरा जल्दी से ले आओ तो बेटे। शाबाश। मगर वो है कौन? क्या बताया नहीं था तुम्हें? कब? कल जब तुम दूध धो रही थी। लेकिन मैं तो दूध धो के चली गई थी। ठीक है ठीक है, जब मैं अपनी बात खत्म कर चुका था तो क्या देखता हूँ तुम्हारी जगह एक गाय अपना सर हिला रही थी। देखो जी, अगर यही हाल रहा तुम्हारा तो वो दिन दूर नहीं जब तुम गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाओगे मिलाड़ मिलाड़, और जब होश आया तो पता चला जस्ता पुड़ंचू। सामने एक मेज और खाली कुर्सियां। मैं पूछती हूँ कौन है वो लड़का, कहाँ का है, क्या नाम है उसका? वो बेटा है नीलकंठ के बिजनेस पार्टनर और मेरे स्वर्गवासी मित्र श्रीचंद का। वही जिन्होंने आत्महत्या की थी नीलकंठ की राय में? मगर वो आत्महत्या नहीं थी, खून था। खून? तो फिर फांसी क्यों नहीं लगवा दी उस खूनी को? उसका कोई गवाह कोई सबूत नहीं था। तो फिर इसका भी क्या सबूत है कि जवाई भी आपका होने वाला जवाई हो? इसका ये सबूत है कि उसका एक नाम है आनंद और उसके पास BA LLB की डिग्री है, मेरे कहने से यहाँ रहा है मेरा जूनियर वकील बनकर। वकील? हाँ, एक वकील घर में कम है जो दूसरा अटप का। शोभा तुम ही देखोगे क्या, मुझे भी तो दिखाओ। पसंद है क्या? अरे लड़का नहीं, हीरा है हीरा। तुम चुप रहो जी।
माँ। वकील साहब की एक बेटी है शोभा, वो चाहते हैं कि मैं उससे शादी करूँ, यही ना? हाँ बेटा, तो उसमें कौन सी बुरी बात है? ओफो माँ, हर माँ बाप यही समझते हैं कि उनका पहला फर्ज है कि बेटा कॉलेज से निकला तो उसकी नाक में नकेल डाल दी। लेकिन माँ तुमने हाँ तो नहीं कर दी? नहीं बेटा, मैंने हाँ तो नहीं की, लेकिन तुम्हारी एक तस्वीर मैंने जरूर भेज दी है। सिर्फ तस्वीर भेजी है ना? तो ठीक है, लेकिन माँ मेरी शादी के बारे में जल्दी मत करना। तुम्हें तुम्हारे आनंद पे पूरा भरोसा है ना कि वो कभी गलत कदम नहीं उठाएगा? हाँ बेटा। मेरी अच्छी माँ, मैं चलूंगा। जी वकील बाबू, नारायण प्रसाद जी का घर यही है? जी आप? जी जी मैं तो वो वही पिताजी। अजी सुनो तो, सुनो तो, कोई आया है बाहर आपके मिलने? क्या कहा? अच्छा अच्छा वही अन्नपूर्णा। अरे शोभा की माँ, जरा इधर आओ, देखो कौन आया है। वही वही जो जो तुम के। हाँ वही, हूबहू वही। तुम वही हो ना? जी जी हाँ वही, पर आप मेरा पहनावा मत देखिए वकील साहब, मैं बड़ा गरीब आदमी हूँ। हाँ। तो क्या हुआ बेटे, हम किसी का पहनावा नहीं देखते, गुण देखते हैं, गुण। अच्छा किया जो तुम आ गए, साल महीना दिन घड़ी सब शुभ है दामाद जी। जी दामाद जी क्या? जवाई? जवाई? जवाई कौन? तुम? जी नहीं, मैं तो मैं हूँ, जवाई नहीं। ऑब्जेक्शन सस्टेन, एतराज मंजूर किया गया है, न तुम दामाद हो न जवाई, बल्कि होने वाले हो। बस बस रहने दीजिए अपनी वकालत। नहीं बीबी जी नहीं, ऐसा मत बोलिए। बेचारे ने घर में पांव तक नहीं रखा और लगे अपनी वकालत करने। ऑब्जेक्शन सस्टेन। हां बेटा तुम मेरे साथ। आपके साथ? जी नहीं, मैं आपके पास आया हूँ। जी हाँ वकील साहब, आपकी शरण में, आप ही बचा सकते हैं मुझे, बचाइए, संभालिए, आप ही मेरे माई बाप हैं। अरे अरे ये क्या कर रहे हो बेटे? आप कुछ भी बोलिए, मैं नहीं छोड़ूंगा ये पाप, नहीं छोड़ूंगा। देखा शोभा की माँ, इसे कहते हैं लड़का। उठ बेटा, उठ उठो उठो, अब बोलो क्या चाहिए। मुकदमा एक ही, बड़ा नहीं छोटा। छोटा हो या बड़ा, आज से मेरे यहाँ जितने मुकदमे हैं, जितने केसेस हैं, वो सब तुम्हारे। वो जब देखो तब मुकदमे मुकदमे। नहीं बीबी जी, ऐसा जुलम मत कीजिए, मैं तो सिर्फ इस मुकदमे की खातिर आया हूँ इनकी शरण में। देखा भगवान, अरे बड़ा वकील वही बन सकता है जिसे अपने चारों तरफ मुकदमे दिखाई दे, दिन रात और 24 घंटे। शाबाश रे मेरे दामाद। फिर वही दामाद, शायद आप मेरी बात ठीक से नहीं समझे, पहले मेरा मुकदमा पीछे कुछ और। तुम्हारा मतलब है कि पहले तुम्हारा पहला मुकदमा? जी हाँ, ये पहले ही तो है। समझा, तुम अपने कानूनी नुक्ते से हटना नहीं चाहते हो, और बेटे हटना भी नहीं चाहिए। देखो तुम सफर करके आए हो, थके मांदे हो, जरा तुम आराम कर लो, मैं कोर्ट होकर आता हूँ, फिर हम दोनों रहेंगे और तुम्हारा पहला मुकदमा। ठीक? क्या बात है? जरा उधर देखो, अरे इधर नहीं उधर। अरे अरे हमारा होने वाला दामाद आया है खाली हाथ, तो क्या तुम्हारे लिए फूल लाता? तुम नहीं समझोगे, ट्रंक न बिस्तर, ऐसा ना हो कि कल भाग जाए। पर मैंने इसकी माँ को तो समझा दिया था कि इसे एक अरसे तक हमारे यहाँ रहना होगा। तो फिर सामान कहाँ है? अरे चोरी हो गई होगी, रास्ते में क्या चोरी नहीं हो सकती? बेटा शोभा की माँ पूछ रही है तुम्हारा कोई सामान। क्या बोलूं, जल गया, आग लग गई। ओ मैं समझा चोरी हुई, कोई बात नहीं और आ जाएगा, मैं आते समय ले आऊं। शोभा की माँ देखना इसे कोई तकलीफ ना हो। अच्छा बेटे, माँ जी आपके घर में गाय भी है? हाँ बेटा, हमारे यहाँ 4 गायें और 1 भैंस है। अच्छा बैठो ना। जी पर उनकी उम्र क्या है माँ जी? उम्र तो कुछ पता नहीं। अरे ये जानना कौन सी बड़ी बात है, मैं उन्हें एक नजर देखकर ये मालूम कर सकता हूँ कि उनकी उम्र क्या है, उनकी नस्ल कौन सी है, कौन सी गाय कितना दूध देती है। हाँ पर अब आप फिक्र मत कीजिए माँ जी, आज से उनकी सारी देखभाल मेरे जिम्मे, सवेरे ताजा घास और बिनोले, तो शाम को सिर्फ ताजा घास, फिर देखिए माँ जी इस घर में दूध की गंगा बहेगी गंगा। तुम्हारे मुँह में घी शक्कर और हाँ साथ में मक्खन। नहीं नहीं माँ जी, मेरे लिए छाछ काफी है, पर आपके मुंह में मक्खन। बेटा तुम्हारे आने से मेरी सारी चिंता दूर हो गई,
अब तुम हाथ पे हाथ धर कर बैठे। जरूर जरूर माँ जी। मेरा मुकदमा। अरे उसकी फिक्र वकील साहब करेंगे, घबराते क्यों हो? ठीक है, मैं आज ही इसे किसी गौशाला में भेजती हूँ। हाँ माँ। नहीं माँ जी, इस बार इसे माफ कर दीजिए। हाँ, लेकिन इसकी तो आदत हो गई है। प्यार से हाथ चाटने में आगे बड़ी होगी कि ये डर गई। अच्छा प्यार है अभी, जो किसी की जान पर बनाए। प्यार तो प्यार ही होता है माँ जी, जान भी चली जाए तो भी प्यार। शुभा, इसे कहते हैं असली BA LLB, जो गाय पकड़ कर जान बचाना भी जानता हो और प्यार जताना भी। माँ, सिर्फ तारीफ ही करोगी या कुछ खाने को भी दोगी? बहुत भूख लगी है क्या? मुझे नहीं। ओ, तू किस लिए है? सभी काम मुझे को करना होगा क्या? जा जाकर खाना खा। देखो देखो, आजकल की लड़कियां कैसी होती हैं, मन ही मन में प्यार और ऊपर से दिखावा, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जी जी, तुम जल्दी से हाथ मुंह धो लो, भोजन ठंडा हो रहा है। धीरे धीरे खाओ बेटा, मजे ले लेते। जी, लेकिन आपने पंखा क्यों, क्या हुआ? तुम तो वही हो ना हमारे होने वाले। देखिए बात यह है कि बातें कम भोजन ज्यादा। जी, तुम्हारी बहन तो अच्छी है। जी, मेरी बहन? ओह नहीं होगी, तुम्हारी माँ ने भी कितने दुख झेले होंगे तुम्हें पालने पोसने में, और तुम्हारे पिता वो तो देवता थे देवता। आप कैसे जानती हैं? मैं कैसे नहीं जानती, मैं कोई ऐसी वैसी औरत नहीं हूँ, वकील साहब की पत्नी हूँ, अन्नपूर्णा। उनके यहाँ जो भी गरीब मुकदमा लेकर जाता है ना, वो बेचारी उसको ऐसे खाना खिलाती है कि जैसे वो उनका घर जवाई हो। क्या सोच रहे हो बेटा? जी खाओ ना। जी शोभा, परोस दे लड्डू थाली में, जितना मुंह मीठा कराओगी उतना तुम्हारा भी मुंह मीठा होगा गोद भरने पर। अरे एक एक क्या रखती हो, कम से कम 10 लड्डू खाने होंगे। चलो क्या बात करते हो, यही तो उम्र है खाने पीने की। लो खाओ चलो। अरे तुम्हारी उम्र में शोभा के पिता 20 लड्डू खाते थे, समझे? चलो खाओ। ये घर है या राजमहल? अरे वाह, ये झूला का झूला भी और खटिया की खटिया भी, 2000 की होगी, 5000 की, 5500 की। ये क्या चमत्कार है भगवान, कस्तूरी ने सच्ची कहा था कि वकील साहब की धर्मपत्नी देवी है देवी, सचमुच अन्नपूर्णा, तभी तो इतना कुछ है यहाँ। और शोभा भी जैसे कृष्ण भगवान की फोटो में डाला। दूध का ग्लास तो ले जाओ उसके कमरे में। मैं अच्छा तो फिर मैं ले जाती हूँ। नहीं माँ, तुम कहती हो तो मैं ले जाती हूँ। Thank you.
कितना गर्म। आप यहाँ कैसे आ गए? दूध पी लीजिए। जरूर। चांदनी से पूछो
पूछो। जिंदगानी जाग रही है धीरे धीरे, चुपके चुपके चोरी चोरी हो, हो रात सुहानी जाग रही है धीरे धीरे, चुपके चुपके चोरी चोरी चुपके चुपके चोरी 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 हो। डगमग डगमग नैया डोले रिम झिम बादल बरसे रामा हो, गुन 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 भौरे झूमे झर 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 झरने झूमे छम छम पायल बाजे रामा हो, हे गैया नाचे बांसुरी बजाए रे कनाई मेरे देश में, हो मेरे देश में पावनों चले पुरवाई हो मेरे देश में। शोभा, कल तक तो तुम्हें डर लगता था गौ माता से, आज कैसे आ गई बेधड़क? तुम जो हो मेरे पास आज ना कल ना हुआ तो क्यों नहीं होंगे? फर्ज करो ना हुआ तो कौन दूध दुहेगा? मैं? तुम्हें दूध दुहना आता है? तो कैसे दोगे? तुम बता कैसे? आओ बैठ। इतनी बड़ी हो गई हो अब तक क्यों नहीं सीखा? समझे नहीं आते मगर अब तुम जब से आ गए हो सब कुछ बदल गया है। कितनी नरमी आ गई है सबकी बातों में, हर शब्द जैसे ताजा दूध की छाप। और तुम्हारा हर शब्द? मुझे क्या पता, जैसे ताजा दूध में शहद। सुनो ड्राइवर, वकील नारायण प्रसाद जी की गाड़ी यही है? मालूम नहीं। अरे
मैं बताता हूँ हुजूर, ये रही कार, मैं आप ही को लेने आया हूँ। अच्छा, आइए आइए। ये कार नीलकंठ ने भेजी है, आप ससुर ने भेजी है। अच्छा, बिगड़ते किस लिए हो? बिगड़ने तो क्या करो, गले लगाओ। हो, समझ में नहीं आता नीलकंठ ने गाड़ी क्यों नहीं भिजवाई। घर वकील का तो नहीं हो सकता। बॉस, वो छोकरा मिल गया है जिसने हमारे इंदु बेबी पर हाथ उठाया। कहाँ है? नीचे है बॉस, मगर पुलिया बदला हुआ है, मूछें और चुटिया गायब, सूट बूट में है। बड़ी शान से ट्रेन से उतरा और पूछने लगा वकील नारायण प्रसाद की कार कौन सी है। नारायण प्रसाद? और मैं उसे झांसा दे गया लिया। इंतजार किस बात का है? उसे ऐसा सबक सिखाओ कि बच्चों को छठे का दूध याद आ जाए। यस बॉस। देखिए मिस्टर, क्या यही वकील नारायण प्रसाद जी का घर है? क्यों? क्योंकि ये किसी वकील का घर नहीं लगता। अच्छा, तू सिर्फ नारायण प्रसाद से बात करेगा, हमसे नहीं? देखो जी, ये आप तूताप क्यों उतर आए? क्या? ये भौंकना बंद कर दे कुत्ते की तरह। देखो मिस्टर, तुम गाली बक रहे हो। इंडियन पिनल कोड सेक्शन 499 के तहत गाली देना जुर्म है, समझे? क्या समझे? किसी को मारना असंभव है, तुम्हें क्या जा सकती है? बदतमीजो, ये खून करने की कोशिश है, सजा उम्र कैद, सेक्शन 312 की राइट। लू के पट्टो, अगर मेरा खून हो गया ना तो सीधी फांसी, सेक्शन 299 की तहत। तुम लड़ना चाहते हो ना, ये खेल मुझको भी आता है, समझे? वाह, बड़ा हंस हंस के झटके मार रहे, ये मुझे भी आता है। मैं कोर्ट तो निकाल लूं। पहले ये बताइए कि चेयरमैन नीलकंठ और आपके दरमियान किसी किस्म की दुश्मनी है? क्यों, क्या बात है? मैंने आपके बारे में पूछा तो एक ड्राइवर घेर के मुझे उसके घर ले गया। फिर क्या? मुझ पे हमला उसके गुंडों का। हमला? हाय राम। और वो भी एक निहत्थे आदमी पर? आदमी नहीं, हमारा दामाद। जी, हमारा होने वाला दामाद भाग्यवान। ये लोग की तरह आंखें क्या घुमा रहे हो? कर दो मुकदमा उस दुष्ट पर, बड़ा चेयरमैन बना फिरता है। अरे मुकदमा तो मैं आज ही कर दूं, लेकिन कोई गवाह हो तो? यहाँ। अरे पर वो है कौन? अच्छे वकील हो तो, जब अपने पे आ पड़ी तट्टी सट्टी भूल गए। मैं कह देती हूँ, अगर ये मुकदमा तुम हार गए ना तो उस काले कोट को चूल्हे में जला दूंगी। हाँ, तुम ऊपर चलो बेटा, मैं गर्म पानी की थैली लेकर आ रही हूँ। जी नहीं, आप कष्ट मत कीजिए। अरे चुप रहो, वरना नहीं से ज्यादा कष्ट होगा। मेरी धर्म पत्नी का फैसला जैसे सुप्रीम कोर्ट का फैसला। जा, तुम ऊपर जाओ। ऊपर जाने की सीढ़ियां? ये रही। बेचारे को इतनी मार पड़ी कि ऊपर जाने की सीढ़ियां भी भूल गया। कौन हो तुम? बड़ी अजीब बात है कि हम दोनों एक जैसे हैं। बाबूजी, ये सब तो ऊपर वाले की करामात है। मैं आपसे सच सच कहूं,
कुछ नहीं छुपाऊंगा। मेरा नाम गोपी है, मैं एक मामूली सा ग्वाला हूँ। मैं अपना एक छोटा सा मुकदमा लेकर वकील साहब के पास आया, पर ये लोग न जाने क्या समझ बैठे और मेरी खूब खातिर की, अच्छा अच्छा भोजन खिलाया, झूले जैसी खटिया पर सुलाए। बोलता हूँ तो बोलने नहीं देते, जाता हूँ तो जाने भी नहीं देते। अजीब मुसीबत। वैसे ये लोग बड़े अच्छे, बिल्कुल देवता स्वरूप। हाँ हाँ बोलो, रुक क्यों गए? ये लोग मुझे अपना जमाई समझ बैठे और कहने भी लगे। और वो शोभा। शोभा? शोभा कौन? अच्छा तो वो वकील साहब की बेटी? हाँ वही, जैसे पूरन मासी का चांद। मुझे देखा तो बेचारी वो भी धोखा खा गई, रीझ गई मुझ पर। तो फिर? इस कारण नहीं बाबूजी कि मैं इस कारण कि मैं आप, लेकिन सिर्फ देखने आप में और मुझ में बहुत फर्क है। आप एक पढ़े लिखे आदमी और मैं एक कमाल। शुक्र भगवान का आप आ गए, संभालिए अपनी जगह, मैं जाता हूँ। हाँ बाबूजी, इन लोगों से कह देना कि अगर मुझसे कोई भूल चुकी हुई हो तो क्षमा कर दो। जय राम जी की बाबूजी। ठहरो गोपी। नहीं बाबूजी, अब मैं और यहाँ नहीं रुकने का, ये तो और ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। देखो गोपी, गड़बड़ तो हो गई तुम्हारे आने से। नहीं बाबूजी नहीं, मेरे मन में कोई पाप कोई खोट नहीं आया। शोभा की सौगंध। शोभा की सौगंध? अच्छा तो बात यहां तक बढ़ चुकी है। देखो गोपी, ये एक लड़की की जिंदगी का सवाल है। सच सच बताओ कि तुम और शोभा। नहीं नहीं बाबूजी, जो कुछ हुआ अनजाने में हुआ। वो तो ठीक है, पर बताओ तो सही हुआ क्या? हाँ, बताता हूँ। वो मुझे ऐसे देखती है जैसे अक्षियों से पी जाएगी। इतना ही नहीं, जब मैं पशुओं की सेवा करने लगा तो घर के सब लोग खुश हो गए और वो सबसे ज्यादा खुश हो गई। फिर जब हमारी उंगलियां मिली, छू गई एक दूसरे को दूध दोते समय, तो वो कांपने लगी, शर्मा गई। अच्छा तो फिर क्या हुआ? फिर उसके गाल लाल जैसे चढ़ता सूरज, गर्दन नीचे जैसे चंपा की डाली, फिर उसके पैर का अंगूठा जमीन को खुरेजता, मानव धरती से पूछ रही हूं अब क्या करूं धरती मैया। फिर? वो चुप, मैं चुप, और अब तो चुप रहने में ही भलाई है बाबूजी। मैं सच कहता हूं, मैं शोभा के लायक नहीं। गोपी, औरत सूरत नहीं देखती, जिसकी होना चाहे उसका दिल देखती है, हृदय देखती है। मैं इतना खुश नसीब नहीं जितने कि तुम, इसलिए शादी तो एक तरफ, मैं शोभा के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकता। पर मैं आपसे कह चुका हूं बाबूजी कि मैं अनपढ़ हूं और वो पढ़ी लिखी आप जैसे। गोपी, आदमी अपने गुणों से अपनी अच्छी नीयत से पहचाना जाता है, सिर्फ किताबें रटने से नहीं। इसीलिए तुम इतने सच्चे हो, इतने नेक। फर्ज करो तुम्हारी जगह कोई बुरी नीयत वाला होता तो क्या होता? हा? वो तो ठीक है बाबूजी। अरे कोई आ गया। गोपी तुम बत्ती बुझा दो, समझे? चलो। अरे ये अंधेरा कैसे? शोभा जरा लाइट तो जला देना। बहुत दर्द है बेटा, बताओ ना। चुप रहो जी, ये कोई बच्चा थोड़ा है जो रोने लगेगा? मर्द बेटा है हमारा, चुपचाप दर्द सहने वाला। ये क्या है? गर्म पानी की थैली। लेकिन मेरी पीठ पे क्यों? मैं जानती हूँ तुम बहुत बहादुर हो, लेकिन ऐसी लापरवाही अच्छी नहीं। बैठे बिठाए कुछ हो गया तो? बैठे बिठाए नहीं भाग्यवान, लेटे लिटाए। दर्द और बढ़ गया। दरवाजा तो दर्द और बढ़ जाएगा। हाँ। माँ बेटी दोनों अनाड़ी, ऐसे नहीं जी। शोभा पाँव पकड़ो, पकड़ो पाँव जल्दी। ये क्या कर रहे हो? लगा दी थैली। बाप रे आग लग गई। अब दर्द की जगह मेरे कुछ भी आग भी नहीं जलती, बस के लिए। अरे खून जम जाएगा तो ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। अन्नो चीखने दो इसे, मत खराब करो। हे भोलेनाथ, ऐसे कौन सा पाप हो गया मुझे जिसकी ये सजा? हे काली माता, खून का लड़खोनी, फांसी कुतवाल को कैसा इंसाफ। अच्छा याद आया, मेरे पास एक केस आया है। एक धनवान ने सारी जायदाद अपनी रखेल को दे दी, अब उसकी धर्मपत्नी उस पर केस करना चाहती है। अब तुम बताओ बेटे क्या करना चाहिए? वेरी सिंपल केस, धोखाधड़ी का, दफा 420 के तहत यानी 420। इसके बाद सिविल कोर्ट को मूव करके जायदाद वापस। शाबाश, इसका मतलब ये कि दर्द बहुत ही कम हो गया। बेटा वो अपनी सफेद गाय है ना, बीमार हो गई है,
क्या करना चाहिए? अब पूछी ना बंदे की बात। तो सुनो, मुट्ठी भर बिनोले और मूंगफली पीस कर तेल में मिलाकर गाय की पीठ पर लगाइए और फिर देखिए शाम तक गाय अपने पैरों पर और सिंह ऊपर। सुना तुमने? देखा कैसा लड़का ढूंढा है, दोनों बोली बोलता है, शहरी और देहाती भी। अरे कल जब ये कोर्ट में बहस करेगा तब देखना इसकी शान। ये कोर्ट वोट नहीं जाएगा, पहले घर सुधार फिर कोर्ट सुधार। आज ही मैंने रामू से कह दिया दो गाय और खरीद के लाए। और किस लिए? क्या मिल्क डिपो खोलना है मेरे नाम की? अभी नहीं, जब तुम वकालत छोड़ दोगे तब। पिताजी ये सो रहे हैं। ये तो खुलाटे ले रहा है, मालूम होता है सो गए हैं जनाब। माय लॉर्ड, इलाज कामयाब। समझ गए ना? तो चल। यस मैम। पीठ हंगारा हो गई बाबूजी, पर जान बची लाखों पाए। गोपी, मुझे अब यकीन हो गया है ये लोग तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। क्या बोलू, भगवान की महिमा। तो फिर इस घर का जमाई भी तुम्हें ही बनना पड़ेगा। मुझे नहीं बाबूजी, आज तो बचाव हो गया आपके कारण, पर जमाई बनने तक ये मुसीबत रोज चलेगी। तो फिर एक काम करो। क्या बाबूजी? सुबह सवेरे उठ के पहले तुम जानवरों की देखभाल करना। ठीक, उसके बाद वो लोग तेरे लिए कॉफी लाएंगे। लेकिन बाबूजी मैं कॉफी नहीं पीता। अरे भैया वो तुम्हारे लिए लाएंगे पर पीऊंगा मैं जब तक कॉफी ना पी लूं मेरी आंख नहीं खुलती। उसके बाद तुम घर के बाहर, और तुम, मैं नहा धोकर कोर्ट जाने को तैयार, और शाम को ये पर, और मैं नीचे। नीचे क्यों बाबूजी? इस फर्श पे सोने से तंदुरुस्ती अच्छी रहती है। हाँ अच्छा, तुम अपनी तंदुरुस्ती बनाओ। हाँ सो जाओ, गुड नाइट। जंगली कॉफी को जानती हूँ ना, मुझसे ज्यादा तुम। ये हंसी की बात नहीं है, लो। दूरबीन? हाँ, वो वकील नारायण प्रसाद है ना तुम्हारे घर के सामने। तो सुना है कि वो गोपी आजकल वही रहता है, बैल्कनी से देखती ही रहना, जो ही वो बाहर निकले दूरबीन उसके सर पर। नहीं, सीधा मुझे फोन। आनंद, बहुत गौ रक्षा कर चुके, अब तुम अपनी रक्षा करो। चलो आज से तुम्हारी वकालत शुरू। आनंद, मेरे पास एक बहुत टेढ़ा केस आया है, मैं चाहता हूं कि तुम उसमें से चार पॉइंट निकालो। आओ जल्दी आओ। आनंद कहां जा रहे हो? जी बात यह है कि मैंने चारों भागों को धो दिया है, एक भैंस बाकी है उसको भी धो देता हूं। देखो आनंद, अगर तुम्हें बड़ा वकील बनना है तो सबसे पहले सवेरे उठ के अपने केस स्टडी करो, उस समय दिमाग बहुत ताजा रहता है। ताजा दूध? अरे इसकी फिक्र मत करो, चाय के साथ दूध भी आ जाएगी। आओ, आओ। आज तुम उधर नहीं आए तो एक गाय ने तो दूध ही नहीं दोहने दिया। मैं कल जरा सा तुम पास आकर खड़े रहते तो दुम तक नहीं हिलाई। ऐसा लगता है सारे जानवरों को तुम ही पर भरोसा है। यही मुसीबत है मेरी कि सभी को मुझ पे भरोसा है। देखो तो बेटा, आदमी से तो जानवर अच्छे सुनकर पहचान लेते हैं कि अपना कौन है पराया कौन है। तो आपने भी मुझे जानवर समझ लिया? ऐसी बात नहीं बेटा, चलो उठो, दूध दोहने का वक्त हो गया, उठो ना। बैठो बैठे, ये रहे फाइल, इसमें से केस निकालो और उस पर सोचो जब तक मैं पूजा करके आता हूँ। बैठो, बैठो। केस के तह तक जाए जो दुखिया के काम आए वो। बैठे ना अभी बैठिए। इतना मोटा पुलंदा गले में फंदा। जी आपके कागज कौन से? ये सभी। वकील साहब ने कहा था कि तुम अपने गवाह लाना। लाया हूँ, पूछिए जो पूछना हो। पूछता हूँ, अभी पूछता हूँ। आप लोगों ने भोजन कर लिया? अंदर का खबर रखूं? माल का मालिक ने आपको खिला दिया? खिला दिया। ये क्या केस तो उल्टा पड़ रहे हैं? उल्टा? आपका केस उल्टा तो क्या? कल तुम्हारा हाथ लगते ही गाय ने आधा लीटर दूध ज्यादा दिया। जरूर दिया होगा, पर ये जरूरी नहीं कि आज भी साथ में वही जादू हो। अब नहीं, जब हाथ वही है तो जादू भी वही होगा। लो मैं अभी आती हूँ। अजीब कागजों में है क्या जो देखूं? जी कुछ भी नहीं। क्या
नहीं तो सलीमा नहीं, काहे को बिगड़ती है। मैं थोड़ी धोने लगा था तेरा दूध। बुरी गई जाने, ये गोपी का बच्चा फंसा के मुझे कहाँ चला गया। क्या करते हमारे? अरे तू और तेरी गाय भैंसे, करीब 5 मिनट दफ्तर में बैठा नहीं कि तू उसे खींच कर यहाँ ले आई। बेचारी की हड्डी फसली एक हो गई। शोभा बेटा जा, फर्स्ट एड का बॉक्स ले। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। नहीं नहीं बेटे, जख्म कितना भी छोटा हो लेकिन इलाज बड़ा होना चाहिए। ठीक है, चलो आज इतना ही, मेरी तो खोपड़ी घूम गई। मेरी ही नजर लग गई इसे, देखो तो कैसे मुरझा गया है, फूल सा मुरझा। अरे सर में भी दर्द हो रहा है। नहीं नहीं माँ, अब चुप ही रहो, आराम भी तो कर दे तो इन्हें। बेटा कल से तुम दफ्तर में ही काम करना। जी शोभा, तुम जरा इसे देखो, मैं चाय बनाती। ज्यादा चोट तो नहीं आई? बिल्कुल नहीं। ठीक है, वापस जाओ और फिर मार खा के। बाबूजी, एक ऐसी ही पट्टी मुझको भी, एक जैसा दिखने के लिए, नहीं तो भांडा फूट जाएगा हमारा। ए, सिर्फ पट्टी? पट्टी बांधने वाली नहीं है? मॉर्निंग बॉस। मॉर्निंग। वो पहाड़ी के सामने वाले झोपड़े खाली करवा दिए? मिटा दिए बॉस। गुड। झोपड़ों का दुश्मन, नीलकंठ। झोपड़ों का दुश्मन, नीलकंठ। नीलकंठ। ये मजाक नहीं है, ये गरीबी है जिसका मजाक आपने उड़ाया है। आपने लोगों के झोपड़े जला के इनको घर से बेघर कर दिया, लेकिन ये मत समझिए कि इनकी तरफ से बोलने वाला कोई नहीं होगा। मैं आपके खिलाफ जंग करूंगा। तू इनको लेके यहाँ से जाता है या तुझे पागलखाने भेजूं? यही गलती मत कीजिएगा, ये तो आपकी खुशकिस्मती है कि आपको मुझ जैसा लीडर मिला। अगर इन लोगों ने कोई गलत लीडर चुन लिया होता तो वो आपको गीदड़ बना देता। इसीलिए कहता हूँ ये गीदड़ बक्तियाँ छोड़िए और समझौते की बात कीजिए। समझौता? कंप्रोमाइज, कंप्रोमाइज, कुछ लेन देन की बात। ये आप मुझे रिश्वत दे रहे हैं? इस 100 रुपल्ली में तो गरीब के झोपड़े की बात बल्ली भी नहीं आएगी। अपने पास रखिए, लो कफन तो आएगा। ऐसा ना हो कि ये कफन फाड़ के आप ही को दफन कर दे। पैसा पैसा, झोपड़ों का दुश्मन। बदबू आती हो उसकी फैक्ट्री यहाँ से उठाकर पहाड़ी वाले मकान में ले जाओ, लेकिन सोना उसमें चमक होती है। मेरी बेइज्जती कराएगा? अगर आपको इज्जत का इतना ही ख्याल है तो आप इस दस्तावेज पर दस्तखत कर दीजिए। क्या लिखा है इसमें? कुछ भी नहीं, इसमें सिर्फ ये लिखा है जिन गरीबों के आपने झोपड़े जलवाए हैं उनको आप दोबारा बनवा देंगे। कह दो फिर बन जाएंगे। अब आए ना रास्ते पर, चेयरमैन नीलकंठ जिंदाबाद, चेयरमैन नीलकंठ जिंदाबाद।
हेलो, कौन? रीटा, क्या कहा? वो भी बाहर जा रहा है? डर्टी रैट, अब देखती हूँ कहाँ जाता है बचकर।
to be girls from decent families. It is an offense under section 354 Indian Penal Code. What are you looking at me? Don't you understand? मरने दो, उसे तैरना नहीं आता तो डूबने दो, प्लीज बचाइए ना, वरना उसे चोट मार देगी। अच्छा तो फिर एक काम करो, कान पकड़ो और उठे खड़े करो, चलो जल्दी करो, मर रही है, जल्दी करो, जल्दी, एक शाबाश, शाबाश, मैं नहीं जानती थी कि तुम इतने लिखे पढ़े हो और अंग्रेजी भी बोलते हो। सिर्फ अंग्रेजी पढ़ने लिखने से आदमी शरीफ थोड़ी होता है, गांव के अनपढ़ लोग पढ़े लिखों से ज्यादा शरीफ होते हैं। खैर तुम्हारा नाम क्या है? नाम इंदु। बहुत प्यारा नाम है, कल फिर आओगी ना? क्यों? मेरा इंतजार करने करोगी ना? करो। माँ क्या बात है, तुम एक नौकर रख लो गौ सेवा के लिए। क्यों? जैसे तुम कुछ समझती ही नहीं। ओ, अरे वाह, न सगाई न ब्याह और अभी से उसकी तरफदारी। तुम जो भी समझ लो। क्या हो गया ऐसे? तुम उन जानवरों से इतना प्यार क्यों करते हो? ये मुझे बिल्कुल नहीं पता। सच? ओहो, ये मुझे क्या हो गया है? तुम पास नहीं भी होते हो तो दिखाई देने लगते हो और सुनाई भी देते हो। ये गाय भैंस से तुम्हारा प्यार देखकर मुझे तो ऐसा लगता है तुम उससे प्यार ही नहीं करते। जब देखो गाय गोबर। तो पहले बोला था, मैं उन्हें भूल कर अब तुम्हारे पास ही बैठा रहता। अरे तुम यहाँ? तुमने तो कहा था कि तुम बाहर जा रहे हो। बाहर? हाँ हाँ बाहर। फिर तुम्हें अंदर आते देखा तो सोचा बाहर नहीं अंदर, और मैं अंदर आ गया, पोशाक बदली, फिर तुम्हारा इंतजार। तो तुम ऐसा करो, हर रोज माँ से कह देना कि तुम बाहर जा रहे हो और यहाँ आ जाना, मैं भी आ जाऊंगी, हम दोनों बैठकर बातें करेंगे। ठीक? ठीक, मगर अगर मगर कुछ नहीं, आज से गौ सेवा बंद। इसलिए कि जो ऐसा काम करते हैं लोग उन्हें गवार कहते हैं। और तुम? मैं क्या, मुझे तो सुनकर शर्म आती है। बुरा मान गए? एक बात पूछू शोभा, फर्ज करो मैं वो नहीं जो तुम समझती। एक ग्वाला हूं, सचमुच एक गंवार, तो क्या फिर भी तुम उसे प्रेम करोगी? मेरी समझ में नहीं आता कि मैं क्या कहूं, लेकिन मैं सिर्फ इतना जानती हूँ, दुनिया की नजरों में ग्वाला सिर्फ एक गंवार और निकम्मा ही होता है। तुम चुप क्यों? अरे तुम रो रहे हो? नहीं तो, आँख में कुछ पड़ गया है। ठहरे मैं निकाल देती हूँ। नहीं नहीं, ये कोई ऐसी चुपकी हुई चीज है जो किसी के निकाले नहीं निकलेगी, मुझे ही निकालनी होगी। शोभा, शोभा बेटी। जब देखो माँ को बस कुछ काम ही नहीं है। शोभा शोभा, ठहरे मैं अभी आती हूँ। आनंद बाबू, ये किस विपत्ता में डाल दिया है तुमने मुझे? मैं तो यहां से जा रहा था, तुमने क्यों रोका मुझे? नहीं, मैं शोभा के लायक,
क्योंकि क्योंकि मैं अनपढ़ हूं, गवार हूं। ठीक, मैं यहां से चला जाऊंगा, मैं आज ही यहां से चला जाऊंगा। गोपी, तुम यहां घर से क्यों चले आए? हम दोनों में से किसी एक को तो वहां होना ही चाहिए। किसी एक को नहीं, सिर्फ एक को, और वो एक तुम हो, पढ़े लिखे। मैं नहीं, अनपढ़ा कुमार। गोपी, सुंदरता किताबें नहीं पढ़ती, डिग्रियां नहीं गिनती। जो लहरें आदमी के दिल में उठती हैं, उन्हें प्यार के सांचे में ढालती हैं, अपनी आंखों की चमक से। वो आंखें धोखा खा जाए तो खाया क्या? सोचो तो, तुम्हारी जगह किसी और किस्म का आदमी होता तो क्या होता? नहीं आनंद, मैं शोभा के योग्य नहीं। शोभा से तुम्ही को विवाह करना होगा। नामुमकिन, मैं सपने में भी उसके बारे में नहीं सोच सकता। क्यों? मैं उसे प्यार नहीं कर सकता। क्यों नहीं? वो सुंदर नहीं क्या? बहुत सुंदर। गुणवती नहीं क्या? बहुत। तो फिर बिना सोचे ना कैसे कह दी? देखो गोपी, तुम कुछ नहीं समझते, और तुम बेवकूफों सी बातें मत करो। मैं बेवकूफ हूं? तो तुम पागल। गोपी, गोपी, ये मैंने क्या किया? अपने ही जिगरी दोस्त पर हाथ उठाया, ये मेरे कौन से कर्मों का फल है भैया? जानते हो गोपी, सुबह का भूला शाम को वापस घर लौटा है, तो वो भूला नहीं कहलाता। दिल छोटा मत करो, तुमने कुछ नहीं किया। तुम्हें सिर्फ ये गलतफहमी हो गई है कि मैं शोभा से इसलिए शादी नहीं करना चाहता क्योंकि तुमने उसे छुआ है। लेकिन मैं सच कहता हूँ गोपी, मैं शोभा से प्यार नहीं करता, मैं तो किसी और का हो चुका हूँ। सचानंद भैया, लेकिन लेकिन अब क्या होगा? तुम चाहो तो सब कुछ ठीक हो सकता है। पहले घर जाओ और अपने दिलो दिमाग से ये बात हमेशा के लिए निकाल दो कि तुम अनपढ़ हो, गंवार हो। लेकिन मैं सचमुच अनपढ़ और गंवार हूँ। अरे पढ़ना लिखना कौन सी बड़ी बात है? मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा और चंद दिनों में तुम पढ़ लिख कर इतने होशियार हो जाओगे कि शोभा तो एक तरफ, तुम मुझे पढ़ाना शुरू कर दोगे। आई बात कर लेने? चलो अब घर जाओ, मुझे किसी से मिलने जाना है। आनंद बाबू, तेरा ही रूप है
ये छांव है ये धूप है तेरी दिल में क्या है। सुन इस रात का इस प्यार का इस प्यार का क्या तोहफा तुझे दूं मैं बता। गुल मेरी जुल्फों में सजा दे। गुल में क्या है बोल। गुल में क्या है जी तुम। अरे वाह, अब मैं कौन हो जी तुम हो गया, साफ भूल गए मुझे। ठीक है, दुनियादारी इसी का नाम है, लेकिन ये बताओ तुम ये क्या कर रहे थे अभी? प्यार। प्यार? ऐसे कह दिया जैसे कोई गाजर मूली कह देता है। अबे उल्लू के पट्टे, तू क्या जाने प्यार कर रहा खच्चरे। ए मिस्टर, जबान संभाल के बात करो। आप कोई भी होंगे, लेकिन किसी को गाली देना यानी उल्लू का पट्टा कहना इंडियन पिनल कोड सेक्शन 401 के तहत गुनाह है, सजा और जुर्माना दोनों हो सकता है, समझे? अरे वाह 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 वाह, इंडियन पीनल कोड दफा 401, कमाल कर दिया यार तूने तो। जिस खूबी से तू गाय भैंसे चराता है उसी खूबी से तू पटर पटर निकालत बोलता है। अरे रे रे रे, मैं समझ गया, गाय भैंसे चराना तेरी हॉबी होगी। लेकिन ये बताओ, तुम इस लड़की से वाकई मोहब्बत करते हो? हाँ, मैं इससे प्यार करता हूँ और ये मेरी होने वाली बीवी है। लेकिन आप किस खेत की मूली है मिस्टर? वो लड़की मेरी बहन है। अरे अरे सुनो तो। अरे अब सुनना कुछ बाकी नहीं रह गया, तुम अपना प्यार जारी रखो, मैं उधर पापा से बात पक्की कर लेता हूँ। और हाँ सुनो सुनो, दो चार प्यार मोहब्बत की ट्यूने और बना लो और उधर बैंड बजा, मैं बजाता हूँ। आज तुम बहुत खुश हो, क्या बात है भैया? बता दूं, सचमुच बता दूं, हमारे घर में बारात आने वाली है, अब सचमुच के बैंड बाजे बजेंगे। हाँ क्या मतलब? क्यों मतलब, जरा अपनी शक्ल तो आईने में देख, ये चेहरे पे दम 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 दमक, आंखों में चमचम चमचम चमक। भैया आज मैं बहुत खुश हूँ, तुमने गरीब और शरीफ लड़के से मोहब्बत की है ना? हाँ। अरे तो फिर फट से शादी कर डाल, ऐसा लड़का आसानी से नहीं मिलेगा पगली, जो पहले मारे फिर मार खाए और फिर उस मार को प्यार बनाए। ये सब ठीक है भैया, मगर पापा? अरे पापा की तो फिक्र मत कर, चल चल के बात करते हैं। नहीं, मुझे डर लग रहा है,
पहले तुम ही बात कर लो। पोस्टमैन बना रही है मुझे? प्लीज। अच्छा तेरे लिए ये भी करूंगा। देखा ना पापा, ये पाप का पैसा इंसान को कितना डरपोक बना देता है। अरे गधे, जहाँ पैसा होता है डर तो होता ही है, लेकिन ये पैसा ही इंसान को ताकत भी देता है। हाँ, मैंने देखी अभी भी आपकी वो ताकत। छोड़िए इन बातों को, एक खुशखबरी सुनिए। ये मुंह खुशखबरी? अच्छा तो बात सुनिए, जाने दीजिए। वो लड़का जिसकी आपने मरम्मत करवाई थी ना, जिसे मैंने वकील नारायण प्रसाद के यहाँ भेज दिया था, वो ग्वाला नहीं है। तो कौन है? रखवाला है। क्या मतलब? मतलब ये कि वो आपकी लाडली बेटी का रखवाला बनने वाला है। अबे तू क्या बक रहा है? बक नहीं रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। हिंदू उससे प्रेम करती है, उससे शादी करना चाहती है। शादी करना चाहती है? हाँ, तो इसमें हर्ज की क्या बात है? लड़का खूबसूरत है, होनहार है और फिर वकील है। लेकिन मैं उसे मिलना चाहता हूँ। जरूर मिलेंगे, वो घोड़े पर बैठकर आएगा, चेहरे की लड़ियां बिखेर के। अबे उससे पहले? उससे पहले ऐसे कैसे मिल जाएंगे? कुछ दान दक्षिणा करनी चाहिए ना, दो चार हरे हरे नोट मुझे दीजिए तो मैं फिर कुछ मिलने जुलने की बात। हाँ बेटा, हाँ। घर में ब्लैकमेल। गेट आउट, तो लोग लिए। गेट आउट तो हो जाऊंगा पापा। पापा पापा, लेकिन मेरी एक बात सिर्फ है। ये जो आपकी पाप की कमाई है ना, इसको दोनों हाथों से खूब धड़ाधड़ बांटिए, नहीं तो मैं इनकम टैक्स में जाकर खबर कर दूंगा और फिर आपका बैंड बाजा बच जाएगा। इनकम टैक्स तो जाएगा। हाँ, तो जाएगा। तो इंदू, इंदू, तेरी शादी पक्की, लेकिन पापा पहले उससे मिलना चाहे। नहीं नहीं भैया, मैं उन्हें आने ही बुलाऊंगी, कहीं पापा ने उल्टी सीधी बात कर दी तो। ची ची ची, पापा को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, वो तो सिर्फ ये सोचते हैं कि उनकी सारी जिंदगी की कमाई कहीं जहेज में ना चली जाए। बस भैया, अब तुम ही मेरा सहारा हो, सोच लो। अब सोचना क्या है, अब तू पापा की लाडली नहीं रहेगी, माँ की बेटी बन जाएगी, पराए घर की रौनक हो जाएगी, और फिर मैं अकेला रह जाऊंगा। भैया पागल, तू नहीं, तू नहीं, मैं पागल। आनंद भैया, क्या है गोपी? आज हम दोनों घूमने जाएंगे। मैं और तू? नहीं, मैं और शोभा। तो फिर घर में कौन रहेगा? तुम? नहीं तुम, आज ही तो मुझे भी मिलने जाना है किसी से। किसी से? तो ठीक है, तुम्हारी मर्जी। अरे यार, मायूस क्यों होता है, दोनों साथ में जाएंगे। मगर कैसे? देखो, पहले मैं खिसक जाऊंगा और कार की डिक्की में जाके छुप जाऊंगा, और मैं तुम शोभा के साथ उसी कार में, समझे? वाह, प्यार में पड़ते ही आदमी की बुद्धि तेज हो जाती। मैं अब कौन हो गई? नहीं, तुम तो वही हो, लेकिन मैं ही डर गया। अच्छा, क्या मैं इतनी बशीकल हूँ? मैंने कब कहा? चलो। लगे। गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। क्या हुआ? दिक्की में से बहुत आवाज आ रही है, देख के आता हूँ क्या हुआ। हाँ? चलो। अरे वाह, डिक्की में कोई जादू था क्या, वापस आते ही बदल गए। शोभा तुम चलो, मैं भी आता हूँ। क्यों, आप कहाँ जा रहे हो? वो डिक्की खुली रह गई ना, उसे बंद करके आता हूँ। ओफो, ऐसी क्या चीज रह गई है डिक्की में जो बार बार उसी की तरफ जा रहे हो? बार बार कहाँ ना डिक्की खुली रह गई। अच्छा हाँ?
है किनारों की, रात बेकरारों की और रिमझिम सावन की फुहारों की। मेरी तू तू ही तू, मौज है किनारों की, रात बेकरारों की और रिमझिम सावन की फुहारों की। मेरी तू तू ही तू। मस्ताने का इश्क है दीवाने का और तीर होता है निशाने का। मेरी तू 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 ही तू। तुम यहीं ठहरो, मुझे अपना एक मित्र दिखाई दिया है, मैं उसे मिलकर अभी आया। नमस्ते कस्तूरी भैया। अरे हाल में कहीं नमस्ते, क्रिकेट की तरह रंग बदलता है। उस दिन तूने मेरी बहन के साथ शादी का वादा किया और आज तू इस रात में नाच गाना कर रहा था। क्या है ये सब, क्या है? ओह अब समझा, क्या समझ रहा हूँ ना। अरे ओह आओ भाई। दोनों एक जैसे? अगर हम दोनों एक जैसे ना होते तो तू मुझे कैसे मिलती? अच्छा तो अब मैं समझी,
मुझे तुमने नहीं इसने मारा था। क्या करता, गुस्सा आ गया था, माफ कर दो। देखो गोपी, मैं इंदु को माँ से मिलवाने जा रहा हूँ, जब तक मैं वापस ना आ जाऊं तुम बड़ी होशियारी से रहना, समझे? अच्छा आनंद भैया। अच्छा कस्तूरी भैया, अब मैं चलता हूँ, मुझे जाना है। जाओ, 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 जाओ। हाँ, बोतल 3000, अफीम। अब बोलो क्या बात है? बात? कौन सी बात? यही कि हम दोनों यहाँ क्यों हैं? इसलिए कि वहाँ नहीं। क्या मतलब? यहाँ है। और इस यहाँ का मतलब? इसका मतलब गुदगुदी होती है मुझे, मैं भी करूँगा। क्या हो रहा है जो आज तक हमारे खानदान में नहीं हुआ पापा? ये फूल जैसा तुम्हारे जूड़े में है, टेलीफोन के पास कैसे गिरा? एक कांटे से डर कर। और ये तुम दोनों कलाबाजी? अरे ये कलाबाजी थोड़ी थी, ये तो फूलों का नाच था पतझड़ को फूलने के लिए। इडियट, ये लड़की तुम्हें बेवकूफ बनाकर तुम्हारी जायदाद पर कब्जा करना चाहती है। जगह। यस बॉस। आइए 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 आइए, हम दोनों की हड्डियों को तोड़कर कुतियों को खिला दीजिए, ताकि हम उसके पेट में पहुंचने के बाद पापा की जायदाद की रखवाली कर सके भूख भूक कर। इसका वक्त पूरा हो गया, समझे? ठहरो। अरे मरने वाली की आखिरी ख्वाहिश तो पूरी होने दीजिए। वो भी वक्त आएगा। अरे लेकिन मुझे नहीं, चल मुझे। इंदु, एक बात पूछूं? शादी के बाद क्या तुम इस छोटे से घर में रह सकोगे? ये क्या कह रहे हो आनंद? इंसान किसी घर के साथ शादी नहीं करता, और फिर एक माँ भी तो मिल जाएगी मुझे। अरे वैसा ही क्लॉक जैसे मेरे पापा के कमरे में। ऐसा? इंदु ये क्लॉक बहुत पुराना है, और हम दोनों का प्यार। माँ, ये लो इंदु, और जल्दी पियो। माँ और बेटा मिलकर आधी आधी पियो। नहीं बेटा, तुम तुम्हारी पियो, मैं और मेरी जोड़ी आधी आधी पियेंगे। अच्छा हम चले माँ, फिर आएंगे। जीते। अरे शोभा, तुम अकेली क्यों चली? अपनी फूटी किस्मत को रोने। शोभा, जब धोखा ही देना था तो किस लिए दिखाए सबसपा? समझा, तो फूट गया हमारा बांधा, जान गई तुम सब कुछ। पर शोभा, इसमें मैं क्या करता? मैं तो शुरू में ही बोलने वाला था, पर आनंद बोला नहीं। कौन आनंद और कौन तुम? चले जाओ यहाँ से। शोभा, तुमने मुझे धुतकार दिया, तो मैं कहाँ जाऊंगा? नीलकंठ की बेटी इंदु के पास, जो पार्क में तुम्हारा इंतजार कर रही है। इसका नहीं, मेरा। क्या? हाँ शोभा, वो मैं ही था इंदु के साथ, गोपी नहीं। माँ, पिताजी। अरे सुनो तो। अब क्या होगा आनंद भैया, घबराओ नहीं। बात क्या है? ये देखिए। वाह वाह, दोनों एक जैसे, देखा भगवान की लीला। इसमें हंसने की क्या बात है, बेटी का मामला है, जरा होश में आकर पूछिए कि इनमें असली कौन है नकली कौन है। मैं बोलता हूँ, मेरा नाम गोपी है। गोपी? आप चुप रहिए।
चेयरमैन नीलकंठ ने मुझे मरवाने की कोशिश की, मैं आपके पास आया अपनी विपता सुनाने, अपना मुकदमा लेकर, पर आपने मेरी एक न सुनी, बोलना चाहा तो मुंह भर दिया लड्डुओं से। तो नहीं खाने थे? तो नहीं खिलाने थे? ऊपर से आप बोलने लगे जवाई जी दामाद जी, मेरी तो खोपड़ी घूम गई, फिर ये आ गया तो मैंने अपनी राम कहानी इसे सुना दी पूरी, पर तब तक शोभा को इसे प्रेम हो चुका था। बोलिए अब आप ही इंसाफ कीजिए, इसमें मेरी क्या भूल? जो कहना था कह चुके, इसमें शोभा की क्या भूल? और कुछ कहना है तुम्हें तो दफा हो जाओ यहाँ से। उसने कुछ भी किया पर तुम्हारी अकल को क्या हुआ था? खेत का टिड्डा और सपने चांद को पाने के चकोर बनकर बेशरम, जिस थाली में खाए उसी में छेद, शर्म नहीं आती एक शरीफ घराने की लड़की के जीवन में जहर घोलते हुए? जाओ वरना टांगे तोड़ दूंगा, पुलिस के हवाले कर दूंगा तुम्हें। मेरे मन में कोई पाप कोई खोट नहीं था, हाथ जोड़ता हूं जाता हूं प्रणाम। ठहरो भी नहीं आनंद, अब इसे रोकना बेकार है, लेकिन जो कुछ हुआ उसमें तुम्हारा भी दोष है, इसकी कीमत तुम्ही को देना होगी शोभा से शादी करके। नहीं वकील साहब, मैं शोभा से शादी नहीं कर सकता। क्या मतलब? मैं किसी और को हो चुका। और कौन? नीलकंठ की बेटी इंदु। क्या, नीलकंठ की बेटी और तुम उसके? जी नहीं 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 आनंद, तुम्हारे पिता के देहांत के बाद मैंने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, मेरे मित्र का बेटा समझकर, और मैं बार बार तुम्हें अपने सपनों में देखता था, कभी अपनी बेटी के पति के रूप में और कभी अपनी जगह एक सच्चे और ईमानदार वकील के रूप में। धन्यवाद, आपने जो कुछ भी मेरे लिए किया उसका बदला मैं नहीं चुका सकता, लेकिन ये हमारा जाती मामला है। नहीं जिद मत करो आनंद वरना पछताओगे। अब चाहे कुछ भी हो तो ठीक है, आओ मेरे साथ, अब चाहे कुछ भी हो। मुझे ले कहां जा रहे हैं? चुप रहो जी। वकील साहब खामोश। तुम इंदु से शादी करना चाहते हो ना? मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ। लेकिन उसका बाप एक खूनी है। मैं नहीं मान, अपने स्वार्थ के लिए मुझे बहकाने की कोशिश मत कीजिए वकील साहब। सिर्फ खूनी नहीं तुम्हारे पिता का खूनी है। बेटा इसमें तुम्हारा क्या दोष? ये तो हमारी करने का फल है। अगर तुम मेरी बेटी के जीवन में ना आते तो जाने उसका क्या होता? शायद इसीलिए तुमने उसकी जान बचाई कि तुम अपने प्यार का बलिदान दे सको। जहां भी रहो सुखी रहो बेटा। सच्चाई है वकील साहब, तो आपने खुनी को सजा क्यों नहीं दिलवाई? कैसे दिलवाता, तुम्हारे पिता का पत्र बहुत देर से मिला और वो सबूत जो इस पत्र में है वो कहाँ है आज तक किसी को पता नहीं। तो पता लगाना होगा। नीलकंठ को एक एक पाई खून की एक एक बूंद का हिसाब देना होगा वकील साहब, एक एक बूंद का हिसाब देना होगा। नमस्ते। कौन? ओ तुम, आओ आओ आओ। अच्छा क्या तुम मेरे पास आ गए, वरना मैं तुम्हारे पास आता, प्यासा कुएं के पास जाए। डिसूजा ये बता क्या कर रही है, उठा उठो बेटा। बेटे आपस में कोई रंजिश नहीं होनी चाहिए, पहले तुमने हाथ उठाया फिर हमसे गलती हो गई। खैर लेट्स फॉरगेट इट। हैं तुम्हारा नाम क्या? आनंद। आनंद बहुत अच्छा नाम है। लेकिन बोलो क्या बात है? बोलो। कुछ नहीं, मैं तो सिर्फ इतना पूछना चाहता था, अगर किसी बेटे के सर पे कोई बोझ हो और वो उसे हल्का करना चाहे, किसी का हिसाब चुका के तो? जरूर चुकाना चाहिए। कितना है ये पूछिए? क्या है? क्या है? खून। हाँ खून, मेरे पिता का बहुत बड़ा बिजनेस था, लेकिन उनका पार्टनर एक चलता पुर्जा आदमी, खुद गर्ज लालची और पत्थर दिल भी, उसने वो सारा बिजनेस हड़प कर लिया।
मेरे पिता का खून करके। वो इतना भारी जुर्म, लेकिन उसे फांसी क्यों दिलवाई गई? इसलिए कि उस वक्त कोई सबूत नहीं था। खूनी इतना चालाक है, अगर उसका बस चले तो वो भगवान को भी ना छोड़े, इसीलिए तो अब तक बचा हुआ है। और उसने ये मशहूर कर रखा है कि वो खून नहीं था, आत्महत्या थी। तो ये चाहिए। बस इतनी सी बात, मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करने तैयार हूँ। तुम मेरा दामाद बनने वाले हो, अगर तुम्हें जरूरत हो तो मैं तुम्हें अपनी जान भी देने के लिए तैयार हूँ। तो मैं भी तैयार हूँ लेने के लिए। क्या? मैं ही आपके पार्टनर का बेटा हूँ। तुम श्रीचंद के बेटे? तुम क्या हुआ? हाथ क्यों कांपने लगे? आपने क्या किया क्या नहीं ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपकी सूरत कहती है खून आपने कैसे ना बाप ने। क्या बात क्या किस सबूत है? यही माथे पे ये पसीना, लड़खड़ाती जबान, ये कांपते हुए हाथ और ये मुंह फैले हुए लिबास। अदालत में क्या साबित करोगे? क्या सबूत है? एक ठोस सबूत, वो डायरी जो वकील नारायण प्रसाद के पास है। तुम्हारे पास क्या? बदला लेने की शक्ति। बदला लेने की शक्ति जग्गा, इसकी शक्ति निकाल। यस बॉस। पापा ये गोपी नहीं, आनंद, आनंद पापा नहीं जा, मुझे मारो, करो तो मुझे मारो, नहीं पापा, जाओ हेलो बोलो। मैं नीलकंठ बोल रहा हूँ। तुम? तुम्हारे मित्र श्रीचंद की आंख का तारा आनंद यहाँ पर है। अरे ये वहाँ कैसे पहुँच गया? जब गिदड़ की शामत आती है तो शहर की तरफ क्यों भागता है? नीलकंठ वो बेकसूर है, वो कुछ नहीं जानता, शायद जोश में कुछ कह दिया होगा। छोड़ दो उसे। एक शर्त पर, श्रीचंद की जो डायरी है उसे मेरे हवाले कर दो। कौन सी डायरी? मेरे पास कोई डायरी नहीं। तो उसे यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? किस सहारे आया? नीलकंठ अगर मेरे पास डायरी होती तो। जग्गा क्या कहो? नीलकंठ खबरदार, जब पुलिस को खबर की, सोचने दो। नीलकंठ सोच लिया, आता तशरीफ लाइए। जरा नीलकंठ के घर तक। लेकिन इतनी रात गए? एक वकील के लिए रात क्या और दिन क्या। नहीं मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। नहीं शोभा की माँ, मुझे जाने दो वरना मेरा दम घुट जाएगा। ये तुम क्या कह रहे हो? अरे पगली, कभी तो अपनी आंखों से दूर होने दिया करो। माफ करना आनंद, मैं नहीं जानती थी कि मेरे पापा ऐसे। रो मत इंदु, रो मत। जब जुल्म हद से बढ़ जाता है तब वो अपने आप मुसीबत बन जाता है। कस्तूरी, प्रसाद जी आइए। आप तो रखकर घर का रास्ता ही भूल गए। मैं नहीं भूला नीलकंठ, तुम अपने दिल से पूछो। श्रीचंद तुम और मैं भाई भाई की तरह रहते थे, लेकिन तुमने एक भाई की जान लेकर दोस्ती के नाम पर कलंक लगा दिया। समझ, मैंने तुम्हें यह भाषण देने के लिए नहीं बुलाया। डायरी निकालो। वो डायरी? डायरी किसके पास है? मुझे आनंद ने अभी बताया कि सबूत की डायरी तुम्हारे पास है। डायरी है जरूर, लेकिन हमारे पास नहीं। नीलकंठ जरा अकल से तो काम लो, अगर डायरी हमारे पास होती तो क्या हम इस हालत में तुम्हारे सामने होते? बस झूठ बात हो गया। ये झूठ नहीं, इसके बाद कोई सबूत, कोई डायरी नहीं।
झूठ तो मैंने बोला था आपसे सच्चाई जानने के लिए। नाटक बंद हो गया, अरे निकालो वरना तुम दोनों की मौत आधी टलने की। अरे नीलकंठ भगवान से तो डरो, अरे इस पाप से कब तक बचोगे? हमेशा, और आप तो छुड़ूंगा। नहीं नहीं, ये बेकसूर, जो कुछ किया मैंने किया, आप जो चाहे सजा मुझे दीजिए। सबर करो, वो भी होगा, पहले इसे निमट लो। नीलकंठ ये धन का काम मुझे ही करने दीजिए, इसी दुष्ट ने मेरे जीवन में आग लगाई, इसकी चिता मेरे हाथों जले तो अच्छा है। अरे ये क्या, दोनों एक जैसे? सारे फसाद की जड़ तो यही बात है मालिक, कि हम दोनों एक जैसे हैं, और इसी कारण मेरे भाग फूट गए। क्या बोलूं मालिक, इसकी बेटी और मैं, हम दोनों के मन मिल गए, प्रेम का बीज पड़ा और वो फूटा, फिर वो बेल बन गया। लेकिन इसने गोपी, इसने पहले तो उस बैल को बढ़ने दिया और फिर एक ही झटके उखाड़ के फेंक दिया। गोपी गोपी, पागल तो नहीं हो गए तुम? पागल पागल तो बड़े लोग होते हैं बाबू साहब, आप जैसे मुझ जैसे गरीब भला क्या पागल होंगे। अच्छा चुका है मेरे एहसान का बदला। गद्दार, अबे जा, बड़े लोग गरीब को मुफ्त में गले नहीं लगाते, अपना फायदा देख कर लगाते। मालिक, मैंने इसके घर में बैल की तरह काम किया, फिर मुझे मेरी शोभा मिली, तब मैं समझा मैं भी एक इंसान हूं। लेकिन ये हत्यारा, ये हत्यारा मेरे प्यार का गला घोंट कर जिंदा नहीं रह सकता। गोपी, मैं जरूर अपने प्यार का बदला लूंगा। मालिक, आप अपने हाथ गंदे मत कीजिए इसके खून से, आप इज्जत वाले हैं और मैं एक अनाथ, मर गया तो कोई रोने वाला भी नहीं। आप हटिए मालिक, मैं इसकी जान लूंगा। कमीने, नमक हराम, मैं ये कभी नहीं सोचा था कि तू और गोपी। नहीं सोचा था तो अब सोच, हत्यारे अच्छी तरह सोच। गोपी, चलो एक बोझ और हल्का हुआ। मालिक, आप घबराइए मत, मैं ही इसकी लाश भी उठाकर पुलिस चौकी ले जाता हूं। जीने में क्या रखा है अब, जो मौत ही करूं, मेरे लिए दोनों ही बराबर। इंस्पेक्टर, मैं नीलकंठ बोल रहा हूँ, चेयरमैन नीलकंठ। चेयरमैन नीलकंठ? जी हाँ, क्या कहा? हूँ, आपके घर में? ओह माय गॉड, किसका? वकील नारायण प्रसाद जी का। क्या नाम बताया? गोपी, मैं अभी आता हूँ। बेटा, ये पुलिस आ रही है, आनंद को पहाड़ी वाले मकान ले जाओ। आप नमस्ते बहन जी। शोभा के पिता तो आप ही के यहाँ गए हैं। उस घर को आगे लग जाती तो अच्छा था। क्यों, क्या हुआ? क्या बताऊं, कैसे कहूं? आप अपने कलेजे में पत्थर रख लीजिए, वो जो देहाती लड़का गोपी आपके घर में रहता था ना। हाँ हाँ, क्या क्या उसने? खून। क्या? आपके पति का। ऐसा नहीं हो सकता, ये झूठ है, ये झूठ है। उसने ऐसा क्यों किया? क्यों किया? क्यों किया? शोभा की माँ, सबर करो, वो बदमाश कहीं भी हो, उसे अपने जुर्म की सजा जरूर मिलेगी। मगर अब क्या फायदा, क्या फायदा? बहन जी, इंस्पेक्टर कुछ आपसे पूछना चाहते हैं। क्या करें, मजबूरी है, ड्यूटी। आप लोग गोपी को कब से जानते हैं? चंद दिनों से, रहता भी यही था। क्या वो और आपकी बेटी? जी। लेकिन जब वकील साहब को मालूम हुआ तो क्या उन्होंने उसे डांट कर घर से निकाल दिया? जी, वैसे तो वो बहुत नरम दिल के आदमी थे, हम लोगों ने कभी भी ये नहीं सोचा था कि वो लड़का ऐसा निकलेगा। गोपी, हमने तुम्हारा क्या क्या बिगाड़ा था? माफ कीजिए,
आपके दस्तखत। मैंने कभी भी नहीं सोचा था इन हालात में मुझे यहाँ आना पड़ेगा। बहन जी, अगर किसी चीज की जरूरत हो कि मुझे जरा कहलवा दीजिएगा। और इंस्पेक्टर, मत रो माँ। शोभा, न जाने कौन से जन्म में क्या पुण्य किए होंगे जो मुझे ऐसे पति मिले। मैं जीकर क्या करूंगी, क्या करूंगी? ये क्या बचपना है, पागल हो गई हो क्या? मैं अभी मरा नहीं, जिंदा हूँ। अगर यकीन न हो तो छू कर देखो। लेकिन वो खून, ये पुलिस, ये सब क्या गड़बड़ है पिताजी? अरे गड़बड़ नहीं, धमाका है। यहाँ तो अगर आज गोपी न होता तो मैं सचमुच मारा जाता। गोपी? हमारा गोपी? हाँ, मेरे जीवन का रखवाला गोपी। उसने अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई। सच? मैं कहती थी ना वो लड़का ऐसा वैसा नहीं, देखा? लेकिन पिताजी, वो लोग तो कह रहे थे कि उसने आप पर गोली चलाई। हाँ, गोली चलाई। तो फिर जब मैं नीलकंठ के घर गया तो मैंने देखा कि आनंद रस्सियों में जकड़ा हुआ है। हाय राम। तो मैंने नीलकंठ से पूछा कि ये क्या है, तो उसने कहा कि मेरे खिलाफ जितने सबूत है वो यहाँ, वरना उसकी पिस्तौल का निशाना मेरे सीने पर। हाथ टूटे उस पापी के, यहाँ आकर तो ऐसे बन रहा था जैसे कुछ जानता ही नहीं। अब यहाँ आया ना तो मैं उसे गोली मार दूंगी, देखना। बोलो बोलो, जो कुछ कहना कह दो, फिर मैं बाद में कहूंगा। अच्छा, अब मैं कुछ नहीं बोलूंगी, बस। हाँ, तो नीलकंठ की पिस्तौल का मुंह मेरी तरफ, एक आंख निशाना लगाते हुए उसने चिल्लाया कि नारायण, मैं आखिरी बार कहता हूँ। इतने में गोपी आया और वो चिल्लाया कि ठहरिए मालिक, मुझे इसे गोली का निशाना बनाने दीजिए, इसने मेरी मोहब्बत का गला घूंटा है। पहले पूरी बात तो सुनने दो, चुप रहे। और गोपी के हाथ में पिस्तौल, पिस्तौल, और वो पिस्तौल का मुंह मेरे सीने पर। हाँ। और उसके बाद फिशिंग। लेकिन पिताजी, उसने आपको बचाया कैसे? अरे बेटे, यही तो मजे की बात है। अरे उसके पिस्तौल में गोलियां नहीं थी, पटाखे थे, पटाखे। पहले तो मैं भी डर गया था, लेकिन जैसे ही उसने आंख मारा, मैं ठस करके जमीन पे गिर गया और एक जिंदा लाश उसके कंधे पर, और हम दोनों उस नर्क से बाहर। और आपने उसे घर से बाहर निकाल दिया। मैं कह रही थी ना, तुम्हीं ने उसे घर से बाहर निकाला है। देखो मेरी गाय भैंसों की क्या हालत हो गई है, जाओ जाकर उसे वापस ले आओ। क्या उसके दिल को ठेस नहीं लगी होगी? तो ठीक कह रही बेटी। घबराओ नहीं बेटा, वो बड़ा नेक है, उसने हम सबको माफ कर दिया। सच? मुझे क्षमा कर, किया ना? यस, किया। तुम गई हो हमारे घर में? हाँ, एक गंवार अनपढ़ पशुओं की देखभाल करने वाला है ना? ऐसे ना करो गोपी। तुम्हें तो कहा था। वो मेरी भूल थी, मुझे माफ कर दो। ए, अरे ये क्या हो रहा है? चलो बाहर निकलो। कम आउट, स्टैंड अप, स्टैंड अप, लुक अप, नाउ स्माइल, स्माइल ब्यूटी। देखा इंग्लिश का चमत्कार, कैसे फर इंग्लिश बोली है। फर इंग्लिश बोली तो क्या हुआ, पर हो तो अनपढ़। क्या? मेरे लिए तो वैसे ही हो जैसे भगवान, उसने भी तो कोई पुस्तक नहीं पढ़ी। अरे ये सपना है कि सच्चा है? ये कौन सी पदवी दे दी तुमने मुझे शोभा? वही
जो इस जन्म में मैं सिर्फ तुम्हें ही दे सकती हूँ। शोभा नखरे छोड़ो जाने, बस कहता है कि तुम्हें मार डालो, मगर जग्गा जग्गा बड़ा दिल वाला है, छोड़ दिया तुम्हें, तो इस मेहरबानी की कीमत मुझे नहीं मालूम। थोड़ी सी क्या, पहले एक नाच। मुझे नाच नहीं आता। नहीं तुम क्या जानी, जग्गा चाहे तो चुड़ैल भी नाचने लगे उसके इशारों पर। कहीं की जग्गा से बचकर कहां जाएगी बदमाश। छोड़ो मुझे। चल। अजी कुछ देखा तुमने? ये देखो। क्या बात है? सर मेरा आग लगे इस पेपर को देखो तो सवेरे सवेरे क्या छाप दिया है। क्या छाप दिया है? लिखा है कि आप मैं क्या, हे भगवान मुझे क्षमा करना। देखो ओ,
ये इसमें हंसने की क्या बात है? कमीने, ना समझ, इतनी बड़ी खबर और चीटी जैसी नन्हे मुन्ने टाइप में छाप दी, और वो भी आखिरी पेज पे। ये खबर तो फ्रंट पेज पे होनी थी, मकोड़े जैसे मोटे मोटे टाइप में। क्यों अन्नू? भाग मेरे। अन्नू जरा इधर आओ। क्या है? आओ इधर। तुम्हारे पास कोई अच्छी सी साड़ी है? है तो वही कांजीवरम की, शादी के पहले दिन पहनी थी। पहन के आऊं क्या? ये तुम्हारे माथे का टीका। छोटा है क्या, बड़ा कर क्यों? ये तुम्हारा मंगलसूत्र। मंगल, बात क्या है? निकालो ये मंगलसूत्र, मिटाओ ये माथे का टीका, जाओ एक सफेद सी पुरानी साड़ी पहन कर आओ। ये तुम क्या कह रहे हो, अकल तो नहीं मारी गई तुम्हारी? मोहल्ले वाले आए हैं सोग बनाने। क्या? पुरसा देने। ये खबर सुन के जाओ बेटे, तुम उन्हें बिठाओ। जाओ शाबाश। अनु तुम भी जाओ। नहीं मैं नहीं जाऊंगी। क्या नहीं जाओगी? नहीं। देखो ज्यादा चूचा की तो मैं सचमुच मर के दिखाऊंगा। चलो मंगलसूत्र अंदर। चलो अंदर अंदर। ये टीका? नहीं, नहीं। अरे मिटाता कौन है, जरा सा मध्यम सा। अब ठीक है, अब ठीक है। जा, जा। हाय अन्नपूर्णा बहन, क्या हो रहा था, क्या हो गया? भगवान न करे किसी को ये दिन देखना पड़े। हाय हाय, कितना बड़ा था वो सुहाग का टीका, जैसे देवी पार्वती के माथे पर उसे नजर लग गई है। कले की बात है भैया, क्या ठुमक ठुमक कर चलते थे हमारे वकील साहब, जैसे मथुरा में पार के। धीरज बहन धीरज, मरना जीना मनुष्य के बस में नहीं, बस यही सोचकर कलेजे पर पहाड़ रख लो कि वकील साहब की आयु के 100 बरस पूरे हो गए पूरे होने से पहले। की आत्मा अमर हो गई मृत्यु का शरीर छोड़कर। ऐसा मत कहो। धीरज रखो बहन धीरज रखो, जो चले गई बस सुखी रहे। क्या कहे, कलेजा मुंह को आता है, सुना है कि बेचारे का शरीर तक नहीं। नहीं मेरे तो अच्छा है भैया, जब प्राण ही नहीं रहे तो शरीर किस काम का। बस करो बात, हो गया। माँ किसी के प्राण नहीं लिए, तुम सब झूठे हो, पाखंडी हो, सब झूठ बोलते हो। वो तो जीते जागते मेरे सामने खड़े, देखो तो कैसे सर हिला रहे हैं। माँ चले जाओ, चले जाओ यहाँ से, जाओ। शोभा शोभा सबसे कहो कि चले जाए, चले जाए यहाँ से। अजी भाग कहाँ रहे, कुछ तो यहाँ आराम से बैठे और मेरी ये दुख है। इधर आओ, मैं कहती हूँ इधर आओ। लो लगा बेटी का। अब मेरे मुंह पे थप्पड़ मारो। वो किस लिए? इतने सारे लोगों के सामने मैंने झूठ बोला, बहुत बड़ा पाप हुआ है मुझसे, अब यही मेरा प्रायश्चित है। अरे झूठ बोलने से किसी की जान बच जाए वो झूठ सबसे अच्छा होता है। मेरी वजह से, मैं कहती हूँ मारो थप्पड़, देखते क्या हो, मारो थप्पड़। अनु ये पाप तुम्हारे सर, अभी थे ये पाप भी तुम्हारे सर। मगर वो सबूत, वो डायरी आनंद के पास नहीं, वकील के पास नहीं, तो फिर कहाँ है? एक घड़ी यहाँ, एक ऐसी घड़ी वहां। श्रीचंद ने इस पत्र में लिखा है कि जो ही उसे नीलकंठ के खिलाफ सबूत मिलेगा वो फौरन मुझ तक पहुंचा देगा। इसका मतलब है कि सबूत है जरूर, मगर है तो कहाँ है? श्रीचंद जी के घर में ही होगा, वरना उनका खून क्यों होता? ठीक कहते हो। तो मैं वहां जाऊं खोज लगाने? नहीं, इसमें खतरा है, नीलकंठ होशियार हो गया है, जरूर उसने अपना जाल वहां बिछाया होगा। तो जाल काटना होगा, मुझे जाने दीजिए वकील साहब। मगर तुम्हें वहां घुसने कौन कहेगा? मेरी शक्ल आनंद से मिलती है ना,
मैं भी साथ जाऊंगी। अरे ये तो ठीक है, पर ये भी तो सोचिए उस बेचारे आनंद का क्या होगा। घबराइए नहीं, जब तक नीलकंठ को सबूत नहीं मिलता वो आनंद पर हाथ नहीं उठाएगा। चलो शुभ। मुझे जो कुछ कहना था कह चुका, अभी है कि आनंद और हमारी इंदु का प्यार है जो हमारे टूटे रिश्ते को फिर से जोड़ दे। भगवान करे जी। बस आप मुहूर्त निकलवा लीजिए। अच्छा जी, अब बैठिए, मैं भी चाय लेके आती। बड़ा कष्ट किया आपने। नहीं कष्ट किया, बात कीजिए, मुंह मीठा कीजिए। आप देख लीजिए ना। बस आप। अच्छा बहन जी, मैं आपके संदेश का इंतजार करूंगा। अच्छा। जब शगुन निकल आए मुझे खबर कर दीजिए। अच्छा अच्छा बहन जी। गाड़ी रोको, मुंह उधर, सुना नहीं, डायरी इधर, चलो डायरी मेरे हवाले करो। डायरी भी गई और दुश्मन भी। बेवकूफ। शोभा, तुम ये डायरी लेकर सीधे वकील साहब के पास जाओ। और तुम? मैं इस सांप के पीछे आनंद भैया की जान खतरे में है, जाओ जल्दी जाओ। तुम खूनी हो, तुमने खून किया है, खून किया है। हेलो हेलो, हमारा प्यारा आनंद भाग गया। कौन है? आपका पुत्र कस्तूरी। तू यहाँ क्या कर रहा है? मच्छर मार रहा था पापा, बाकी जी में मच्छर बहुत हो गए। लेकिन ये आप क्या कर रहे हैं? मैं समझा एक चोर है। चोर?
और आप जैसे डाकू के घर में। चुप। क्या होगा अब आनंद के लिए घबराने की कोई जरूरत नहीं, गोपी सब संभाल लेगा। चलो घर चलो, बहुत काम करना है। अरे शोभा बेटी तुम आ गई। जी पिताजी, और ये है बुढ़ारी। शाबाश। अब खबर लूंगा नीलकंठ की। लेकिन गोपी कहाँ पिताजी? गोपी पापा का पीछा कर ही रहे हैं, बस उसके फोन का इंतजार है। उसका फोन आते ही हम लोग लेफ्ट राइट और अटैक। उन्होंने टेलीफोन किया था? नहीं बस। आनंद कहाँ है? अंदर है। गड़बड़ मालूम होती है। वकील नारायण पठान घर पे नजर रख जाए। यस सर। के कीड़े बने रहोगे या कुछ समझोगे भी? अब क्या हुआ भाग्यवान? बाहर एक मुस्तंदा अखबार पढ़ रहा था, मुझे देखते ही उसने मुंह छुपा लिया। मुस्तंदा अखबार पढ़ रहा था? हाँ। अरे अच्छा हुआ जो उसने अखबार में मुंह छुपा लिया, वरना तुम्हें नजर लग जाती। हाँ। अयो, मुझे लगता है वही होगा। अरे इसमें डरने की क्या बात है, कोई ऐसा वैसा आदमी होता तो यूं दरवाजा खटखटाता। जाओ जाओ देखो कौन है। नहीं नहीं मुझे डर लगता है। अरे इसमें डरने की क्या बात है, मैं जो यहीं हूँ। जाओ तुम लोग अंदर क्यों चले आए? सुनिए अन्नपूर्ण होना। जी हाँ, मगर तुम्हें इससे मतलब? विधवा होकर ये मोटा सा टीका, ये मंगलसूत्र, ये रेशमी साड़ी किस लिए? आजकल हमारे देश की औरतें फैशनेबल होती जा रही हैं। पापा मत, तुम्हें क्या अधिकार है ऐसी बातें करने का? अधिकार है, तभी तो हम इस घर की तलाशी लेने आए हैं। क्यों? तुम लोगों ने उस गोपी कहीं अंदर छुपा रखा है। गोपी है? तो रोका तो हम तुम्हें गिरफ्तार कर लेंगे। जा जा, बड़े आए गिरफ्तार। सीधे चलो पुलिस स्टेशन इंस्पेक्टर के सामने। पिताजी क्या बात है? बेटे पुलिस वाले तुम्हारी माँ को पकड़ ले गए। पुलिस? तो आपने उन्हें रोका क्यों नहीं? कैसे रोकता, अगर पुलिस वाले पूछे कि वकील साहब आप कैसे जिंदा है तो? अंकल क्या आपको यकीन है कि वो पुलिस वाले ही थे? क्यों परेशान करता है? ये कुछ भी नहीं जानती। मैं सच कहता हूँ नीलकंठ। समझी, तो ये पुलिस वाले नहीं तेरे आदमी हैं। याद रख पापी, जब तू मरेगा तो तुझ पर रोने वाला भी कोई नहीं होगा। नीलकंठ अब तुम्हारा खात्मा ही समझो, भगवान जिसे मिटाना चाहता है पहले उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। जी भर के हंस ले, जब वकील साहब को मालूम होगा तो तुझ पर हंसेंगे तेरे हाथों में हथकड़ियां देखकर। उसे मालूम कैसे होगा, वो तो कुत्ते तेरा गोपी हाथों से मर चुका है। कुत्ता होगा तू, मौत आएगी तुझे। भगवान रखे वो तो अपने घर। अपने घर में? अपने घर में क्या? कुछ नहीं, नहीं नहीं कुछ नहीं। जग्गा
नारायण प्रसाद का फोन मिलाओ। कौन? मैं नीलकंठ बोल रहा हूँ। अरे बाप रे, कुएं का मेंढक। अंकल आपका फोन है, पापा का है। हेलो, कान खोल कर सुन लो, तुम्हारी अन्नपूर्णा यहाँ है और उसकी जान मेरी मुट्ठी में। नीलकंठ, खबरदार जो उसका बाल भी बाका हुआ। नहीं होगा, लेकिन एक शर्त, सृजन की डायरी और तमाम कागजात लेकर यहाँ, वरना तुम्हें यहाँ दो लाशें मिलेंगे, अन्नपूर्णा की और आनंद की। नीलकंठ, नीलकंठ, क्या बात है? मुझे गोली मारने से कुछ नहीं होगा, खून फिर खून है, तब के बाद रन लाई आई थी। ठहरो, तुम मुझे देखकर घबरा गए कि तुमने तो मुझे मार डाला था और मैं जिंदा कैसे हूं? एक दो पिस्तौल नीलकंठ। पापा, पापा आनंद पर गोली चलाई तो वह मेरे दिल की मारोगी। अगर तू नीलकंठ पर सवार है तो मुझे बना ही नहीं चाह रहा। मुझे तू यहाँ कब नहीं आई? नीलकंठ हर कभी निकालता तेरे बेटी को। चल बेटा चल। नारायण, तुम्हारा पिस्तौल न होने के बराबर है, फेंक दो से, वरना आनंद की तड़पती लाश देखोगे। नहीं वकील साहब, मत गिराइए पिस्तौल, अगर ये पापा के हाथ लग गया तो ना जाने और कितनी लाशें गिर जाएंगी। आप इनकी गोलियां खाली कर दीजिए, हवा में छोड़ दीजिए इसको। शुक्रिया। अब वो डायरी जिससे आप लोगों की जिंदगी बच सकती है। नहीं वकील साहब, नहीं, मत दीजिए इसे, ये हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। नारायण प्रसाद, आखिरी बार कह रहा हूं, दे दीजिए। नहीं वकील साहब, नहीं, मुझे अभी एक हिसाब चुकाना है इसे, अपने पिता की मौत का बदला लेकर। दे दीजिए ना पिताजी। नहीं वकील साहब, नहीं, मत दीजिए वकील साहब। ये आपने क्या किया? जिनकी गारंटी, लेकिन सिर्फ मेरे लिए। कोई आए इसे जलाकर राख कर दो। और किसी के पास कोई सबूत नहीं? अब तुम पूरा करो अपना वादा। सांप को दूध पिलाऊं? नहीं, दुश्मन दुश्मन ही होता है। तुम सब यही मरोगे और इसी रात। नीलकंठ, तुम सिर्फ खूनी नहीं बल्कि यमराज के चेले भी हो। जग्गा, कस्तूरी और इन दो घर में दो और बाकी सब को खत्म कर दो। नीलकंठ चलो, ये क्या कर रहा हूं? नीलकंठ पापा, देखिए इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। आप अपने पूरे दिन आ गए पापा। चलो, तो तुम अपने पिता का हिसाब चुकाना चाहते हो? जाओ, आज सारा कर्जा माफ किया, मैं सूख गया। अब तो तुम्हारे पिता की आत्मा को शांति मिलेगी। और
सब लोग भाग जाओ, पुलिस आ गई। ये मिस्टर नीलकंठ, आपको गिरफ्तार किया जाता है। चलिए। नीलकंठ, तुम ये समझते हो कि तुम्हारे जुर्म का सबूत जला दिया गया है? नहीं, उस सबूत की फोटो पुलिस स्टेशन में है। गोपी, अगर तुम हमारी मदद न करते तो न जाने और कितने बेगुनाह मारे जाते। जी जी हाँ, दरअसल में राजीव हमारे पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से ही नीलकंठ के मकान में नौकरानी बनकर सीआईडी का काम करती थी। पापा, मैंने जब भी आपको सपने में देखा इसी रूप में देखा पापा, लेकिन पापा अब माँ की आत्मा को शांति मिल जाएगी पापा। ये दिन तो देखना ही था क्योंकि हम आपकी संतान है ना पापा, लेकिन आपने मेरी बात कभी नहीं मानी पापा, आपने मेरी बात कभी नहीं मानी।